मैकेविटी द मिस्ट्री कैट अ पोएम बाय टी एस एलियट. डू यू हैव अ पैट कैट? हैव यू एवर नोटिस एनी थिंग मिस्टीरियस अबाउट इट? क्या आपने अपने पैट कैट के बारे में कुछ मिस्टीरियस महसूस किया है? इट इज़ नॉट ईजी टू से वेदर एवरी कैट इज़ अ मिस्ट्री. इट इज़ नॉट ईजी टू से, ये कहना आसान नहीं होगा कि हर कैट मिस्टीरियस होती है. बट मैकेविटी इज़ वन फॉर श्योर, लेकिन मैकेविटी के बारे में ऐसा श्योरली कहा जा सकता है कि ही इज़ मिस्टीरियस कैट. वॉट इज़ इट दैट मेक्स हिम अ परफेक्ट मिस्ट्री कैट? कौन सी वो चीज़ें हैं जो मैकेविटी को एक मिस्टीरियस कैट बनाती है? लेट्स रीड द पोएम एंड फाइंड आउट. मैकेविटी इज अ मिस्ट्री कैट. He is called the hidden paw. Macavity is known as the hidden paw. Chupa hua, the something hidden power. For he is the master criminal who can defy the law. Because Macavity is a hidden paw, so he can make any crime. For he is the master criminal. Aur itna tez tarrar hone ki wajah se मैकेविटी को मास्टर क्रिमिनल कहा जाता है. हु कैन डिफाई द लॉ, जो रूल को बहुत इजीली ब्रेक कर जाता है. ही इज़ द बेफलमेंट ऑफ स्कॉटलैंड यार्ड, और वो स्कॉटलैंड यार्ड के लिए यानी पुलिस डिपार्टमेंट के लिए सिरदर्द है, बेफलमेंट है. द फ्लाइंग स्क्वाड्स डिस्पेयर, और जो फ्लाइंग स्क्वाड है उसके लिए निराशा है, डिस्पेयर. बिकॉज मैकेविटी इज़ अ मिस्टीरियस कैट एंड ही इज़ अनेबल टू बी कॉट. For when they reached the scene of crime, because Scotland's Yard यानी पुलिस और फ्लाइंग स्क्वाड के लोग जब क्राइम सीन पर पहुँचते हैं, what they see, मैकेविटी is not there. सब कुछ तो वहाँ पर है लेकिन मैकेविटी वहाँ पर नहीं होता है. मैकेविटी is the other name, a mysterious cat. Now stanza number 2. मैकेविटी मैकेविटी दर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. टी एस एलियट इज सेइंग दैट मैकेविटी इज़ डिफरेंट काइंड ऑफ कैट. दर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी. ही हैज़ ब्रोकन एवरी ह्यूमन लॉ. मैकेविटी ने इंसानियत के सारे रूल्स ब्रेक कर दिए हैं, वॉयलेट कर दिए हैं. ही ब्रेक्स द लॉ ऑफ ग्रेविटी ऑल्सो. हिज पावर्स ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ फकीर स्टेयर. और उसके लेविटेशन का पावर यानी हवा में उड़ने का, यानी हवा में छलांग लगाने का, जंप करने का जो पावर है, वो एक फ़कीर को भी सोचने पर मजबूर कर देता है. फ़कीर मीन्स अ पर्सन हु इज़ कंसिडर्ड टू बी अ रिलीजियस पर्सन, अ हॉली मैन, जिसके पास में कुछ मिस्टीरियस पावर्स होती हैं. यू मे सीक हिम इन द बेसमेंट. वो आपको बेसमेंट में मिल सकता है. यू मे लुक अप इन द एयर. और हो सकता है कई बार आपको वो एयर में यानी जंपिंग करता हुआ भी नज़र आ जाए. बट आई टेल यू वंस एंड वंस अगेन, लेकिन दोबारा फिर मैं आपको बताता हूँ, मैकेविटी इज़ नॉट देयर. सब कुछ आपको मिल जाएगा, लेकिन अगर कोई क्राइम हो चुका है और क्राइम सीन पर अगर स्कॉटलैंड यार्ड या पुलिस डिपार्टमेंट पहुँचता है, फ्लाइंग स्क्वाड पहुँचता है, तो वहाँ पर मैकेविटी को पाना नामुमकिन है. The last stanza. Macavity is a ginger cat. He's very tall and thin. बहुत लंबी उसकी बॉडी है. He's very tall and thin. You would know him if you saw him. उसको आप तभी जान पाएंगे जब आप उसको देखेंगे. For his eyes are sunken in. और उसकी अजीब सी शक्ल सूरत, उसकी आँखें अंदर धसी हुई. His brow is deeply lined with thought, और गहरी चिंता में, गौर फिक्र में डूबी हुई उसकी आई ब्रोज. His head is highly domed, और सर ऊपर की ओर उठा हुआ, just like a dome, एक गुंबद नुमा शक्ल. His coat is dusty from neglect, negligence की वजह से उसका coat वो भी dirty है. ये दिखाता है कि वो कितना careless है. His whiskers आर अनकॉम्ब्ड. उसके विस्कर्स अनकॉम्ब्ड हैं, जिनको सही तरीके से ट्रिम भी नहीं किया गया है.
He sways his head from side to side with movements like a snake. और अपने सिर को इधर उधर घुमाते हुए उसका चलना जो कि उसे दिखाता है कि वो एक स्नेक की तरह है. एंड वैन यू थिंक ही इज़ हाफ असलीप, और जब आपको लगे कि वो हाफ असलीप है यानी अलर्ट नहीं है, ही इज़ ऑलवेज वाइड अवेक, तब उस वक्त वो बहुत अलर्ट होता है, वाइड अवेक होता है, बिकॉज मैकेविटी इज़ ए मिस्टीरियस कैट. मैकेविटी, देर इज़ नो वन लाइक मैकेविटी, फॉर ही इज अ फियंड इन अ फेलिन शैप, अ मॉन्स्टर ऑफ डिप्रेविटी. डिप्रेविटी मीन्स मॉरल करप्शन, यानी मॉरल करप्शन का बेहतरीन एग्जाम्पल है मैकेविटी. सारी बुराइयाँ, सारे पाप अपराध जो कर सकता है वो है मैकेविटी. यू मे मीट हिम इन ए बाई स्ट्रीट, वो आपको बाई स्ट्रीट यानी नज़दीक की किसी गली में नज़र आ सकता है. यू मे सी हिम इन द स्क्वायर, बट वेन अ क्राइम्स डिस्कवर्ड, आपको आस पास मैकेविटी नज़र आ सकता है, लेकिन अगर कोई क्राइम हो जाए, बट वेन अ क्राइम्स इज डिस्कवर्ड देन मैकेविटी इज़ नॉट देयर.